नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज हेडक्वार्टर छत्तीसगढ़ पर। जी हां, आज हम हैं माँ सर्वमंगला देवी मंदिर पे, कोरबा का सबसे ज्यादा प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माँ सर्वमंगला देवी मंदिर का। और आज मैं आप सबको दर्शन कराऊंगा यहाँ के रहस्यमयी और चमत्कारी बरगद का पेड़। ऐसी मान्यता है कि तकरीबन ये यहाँ पर 500 साल पहले से है और इस पर धागा बांधने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का ये सफर। वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का सफर माता रानी के आशीर्वाद के साथ। आइए, मैं तो आंख मूंद के चला। तो सफर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जब हम आगे बढ़ते हैं मंदिर के अंदर कक्ष में आते हैं तो सबसे पहले हमें जो नजर आता है वो आता है हमारा ये संकट मोचन हनुमान मंदिर। जी हाँ, यहाँ पर बजरंगबली जी की प्रतिमा स्थापित है और हनुमान मंदिर के साथ साथ ही यहाँ पर प्रभु श्री राम का भी मंदिर स्थापित है। हनुमान जयंती के दिन यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है और साथ ही यहाँ पर भोग के साथ साथ आपको आशीर्वाद भी दिए जाते हैं। जी, आपको वीडियो में एक और मजेदार चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर है ये ज्योति कलश भवन। जी हाँ, जब नवरात्रि का समय होता है, कोरबा का सबसे ज्यादा बड़ा कलश यहाँ पे जलाया जाता है, सबसे ज्यादा संख्या यहाँ सर्वमंगला देवी मंदिर में। अगर आप कभी भी नवरात्रि के समय आए तो यहाँ पर ये आपको दिखाना चाहूंगा, इसके अंदर से यहाँ पे कलश अभी भी रखाए हुए हैं। यहाँ पर आकर आप एक नजारा जरूर देखें। सीपियों की ओट में मोतिया हो जिस तरह, मेरे मन में शंकर। जी हाँ, ये है मंदिर के अंदर का द्वार। यहाँ पे आस्था पूजा चल रही है, श्रद्धालुओं ने यहाँ पर आकर अपना पूजा पाठ करना शुरू करना है। सही रहा तो आपको यहाँ के श्रद्धालुओं से मिलवाऊंगा, कैसा रहता है उनका एक्सपीरियंस। क्या नाम है मैडम आपका? प्रियंका ठाकुर। कब से आ रहे हैं आप यहाँ सर्वमंगला मंदिर में? शादी के बाद 2 साल हो गया, 2 साल से यहाँ पे आ रहे हैं। कैसा लगता है आपको ये कोरबा का मंदिर? आने से अच्छा लगता है, नवरात्रि पे आए थे और मन्नत जो मांगे रहो पूरा होता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर यहाँ का जो बरगद का जो वृक्ष है जो तकरीबन 500 साल पहले से पुराना है, वहाँ पर सूत्र बांधने से मनोकामना पूरी होती है। आइए आपको मैं अंदर दर्शन कराता हूँ। तो जी हाँ, अब इसी के साथ अब हम मंदिर कक्ष की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं श्रद्धालु यहाँ पर अपना माथा टेकना शुरू कर दिए हैं। चंद्रमा ललाट पे, जी हाँ, वो प्रतिमा है माँ सर्वमंगला देवी मंदिर की, सर्वमंगला देवी माँ की प्रतिमा है। इसके अंदर बहुत बहुत कम ही लोगों को यहाँ पर आने की इजाजत दी गई है। प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में, जटाओं में, जटाओं में, दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं। और इस मंदिर के अंदर आपको तमाम सारे हिंदू देवी देवताओं के मूर्तियां यहां पर दिख जाएगी। आप देख सकते हैं काली माँ, दुर्गा माँ के तकरीबन सारे रूप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अमृत सभी मैं बाट के, प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो शंकर, भोले नाम शंकर, जी हाँ, ये मेरे सामने जो पेड़ है यही वो बरगद का पेड़ है
जिसकी मान्यता है कि ये तकरीबन 500 साल पुराना है। यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं अपनी आस्था लेके, अपनी समस्या लेकर के, और अपना समाधान खोजते हैं इस बरगद के वृक्ष के नीचे। और यहाँ पर सूत्र बांधने से, धागा बांधने से लोगों की मान्यता है। पुजारी जी का कहना है, कई श्रद्धालुओं का कहना है कि उनके सारे समस्या दूर होती है, और उनकी आस्था ये भी है कि यहाँ सूत्र बांधने से उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। तो आइए आज हम भी एक मनोकामना मांगते हैं और यहाँ पर सूत्र बांधते हैं। जी हाँ, जैसा कि मान्यता है, मैंने भी इस 500 साल पुराने बरगद के पेड़ पे, प्राचीन पेड़ पे, मैंने भी अपना एक धागा बांध दिया है, और साथ ही मैंने एक मन में मन्नत भी मांग ली है। उम्मीद है कि माँ सर मंगला देवी जी अपना आशीर्वाद हमारे साथ रखेगी। मेरी आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि कभी भी आप सरमंगला मंदिर आए तो एक बार आप भी अपनी मनोकामना के लिए यहाँ पर एक धागा जरूर बांधें। चलिए चलते हैं अब उस गुफा की ओर जिसका आप सबको इंतजार था, जिसके बारे में मान्यता है कि कोरबा की महारानी रानी धनराज कुंवर देवी जी अपने राजमहल से यहाँ मंदिर के आने के लिए उस गुफा का इस्तेमाल किया करती थी। चलिए आइए आपको दिखाता हूँ। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है वो गुफा, आप सामने देख सकते हैं भगवान बजरंग बली जी की यहाँ मूर्ति है, जहाँ पर उन्होंने पर्वत को उठाया है। मान्यता ऐसी है कि ये एक द्वार और वो एक छोटा सा द्वार, यहाँ से वो गुफा की शुरुआत होती है। इसी द्वार से रानी धनराज कुंवर देवी जी, जो कि कोरबा की सबसे पहली महारानी थी, वो इस गुफा से आना जाया करती थी। और फिलहाल इस वक्त मान्यता ऐसी है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा विशालकाय सांप और बिच्छू रहते हैं, उन्होंने अपना इस गुफा को अपना घर बना लिया है। मैं इसके अंदर जाने की थोड़ी सी कोशिश करूँगा, अगर मैं अंदर नहीं जा पाया तो आपको कैमरा ले जाके आपको इसके अंदर का नज़ारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। आकाश भाई कैमरा देंगे आप थोड़ा सा? तो जी हाँ, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये है वो सरमंगला देवी मंदिर का ये गुफा। इस वक्त बारिश का मौसम है और काफी ज्यादा पानी इसमें भरा हुआ है। इसके थोड़े ही बगल पे हनुमान जी की एक विशाल काय मूर्ति है, और ये आप नजारा देख पा रहे हैं अपने फोन स्क्रीन पर। जी हाँ, ये है सरमंगला देवी मंदिर का ये गुफा। मुश्किल जरूर है क्योंकि काफी ज्यादा पानी है। वैसे तो गुफा आपको छोटी सी दिख रही है, मगर इसके अंदर काफी ज्यादा गहरी गुफा है ये। और आमतौर पे यहाँ पे आने की अनुमति ज्यादातर किसी को भी नहीं है, पुजारी और यहाँ के जो सरमंगला देवी मंदिर के जो कार्यकर्ता है सिर्फ वो आते हैं। और नवरात्रि के पूर्व, नवरात्रि के ही दिन यहाँ पर आपको यहाँ पर दिए जलते आराम से दिख जाएंगे। वहां पर आपको बजरंग बली जी की मूर्ति दिख जाएगी, जहां पर उन्होंने विशालकाय पर्वत को उठाया हुआ है। मान्यता ये है कि ये जो सुरंग का एक छोर है, इसका दूसरा छोर नदी के उस पार, नदी के अंदर से आते आते आपको कमला नेहरू महाविद्यालय में आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको वहां का भी नजारा दिखाना चाहता हूँ आपको। आइए अब आपको मैं ऊपर लेके चलता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं,
यहाँ पर नदी है और आपको जो मैंने अभी सुरंग दिखाई उसका पहला छोर यहाँ है और उसका दूसरा छोर जो कि यहाँ से तकरीबन आधे किलोमीटर दूर है इस नदी के उस पर आपको ये जो बिल्डिंग दिख पा रही होगी, जी हाँ यही बिल्डिंग कमला नेहरू कॉलेज है जो कि रानी धनराज कुंवर देवी का महल हुआ करता था और इसी महल के माध्यम से जब वो अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ पूजा करने आती थी सुबह 6:30 बजे के आसपास तब वो उसी गुफा द्वार के ही रास्ते यहाँ से डेली सुबह सरमंगला मंदिर आकर सरमंगला देवी जी की पूजा किया करती थी और अपना पूजा पाठ करने के बाद इसी द्वार से इसी नदी के नीचे जो गुफा है उस रास्ते से होकर वापिस अपने महल को जाया करती थी। तो आज सरमंगला देवी मंदिर जो कि कोरबा का सबसे ज्यादा प्राचीन मंदिरों में से एक है, तकरीबन 122 साल आज इसे हो चुके हैं। आपको ये जानकारी सुनकर कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए आप अपना न्यूज चैनल न्यूज हेडक्वार्टर छत्तीसगढ़। मैं लेता हूं आपसे इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।